हेलो एक्सपीरियंस एक्सचेंज फैमिली, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेस्टी रेड सॉस पास्ता रेसिपी। रेसिपी की शुरुआत हम पास्ता बॉईल करने से करेंगे। बॉईल करते समय पानी में एक छोटा चम्मच नमक और तेल डालेंगे, जिससे कि पास्ता जल्दी से उबल जाए और आपस में भी ना चिपके। जब तक पास्ता बॉईल हो रहा है तब तक हम बाकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। वेजीज में मैंने कैप्सिकम, अनियन, ग्रीन चिलीज और बीन्स लिए हैं। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वेजीज ले सकते हैं। सॉस का टेस्ट एनहेंस करने के लिए वेजीज को फाइन चॉप्ड कर लेंगे। अब हम एक पैन में बटर डालकर इसमें गार्लिक को सौते कर लेंगे। फिर इसमें चॉप्ड अनियन और ग्रीन चिली डालकर थोड़ा चलाएंगे। फिर इसमें बाकी वेजीज भी ऐड करेंगे और इन्हें हल्का सौते कर लेंगे। जब वेजीज सौते हो जाए तो इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे और पास्ता मसाला मिला लेंगे। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर तक ढककर पकाना है, जिससे सॉस का फ्लेवर और रिच हो जाए। मेरे पास कॉर्न्स भी रखे थे तो मैंने उनको भी यूज़ कर लिया था, बट ये ऑप्शनल है। अब इसमें बॉइल्ड पास्ता ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट तक ढककर के पकाएं, जिससे सॉस पास्ता में अच्छे से मिल जाए। लीजिए, तैयार है हमारा रेड सॉस पास्ता। सर्व करिए और इस डिलीशियस मील को एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर टेस्टी रेसिपीज।